Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Today we will discuss few of the questions of the very first and basic chapter of chemistry, that is atom. These questions are helpful for class standard 9 to standard 12th and also for the competitive examinations. So first we will take a recap on the atoms. Here is the diagram having three colors, ball, blue, red and green. Center mein jo blue aur red balls hain, blue ball shows proton positive charge and neutrons are neutral. ये मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, दे आर निगेटिवली चार्ज. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर. सो स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड. एटम के सेंटर को क्या कहते हैं. थ्री ऑप्शंस आर गिवेन, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. यू ऑल नो आंसर इज न्यूक्लियस. क्वेश्चन टू, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, आप सब जानते हैं, दैट विल बी वन नेगेटिव चार्ज. क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज द लाइटेस्ट. सबसे हल्का इन तीनों में कौन है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, सो द आंसर इज इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन फोर, इट इफ एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स वाई डू दे हैव नॉट हैव अ चार्ज. एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फिर भी उस पर चार्ज क्यों नहीं होता है. अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव और निगेटिव हैं दोनों को इक्वल कर दें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. आंसर हो जाएगा, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन फाइव, वॉट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इक्वल टू. अभी आपने जान लिया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. चिल्ड्रन थैंक यू सो मच. आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस. मस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. वी विल मीट यू सून अगेन. थैंक यू.